बाबू रिक्रूटमेंट के पर्पज से आप लोग को हम दो वीडियो भेजेंगे फेंसिंग से संबंधित, और उनसे कुछ ना कुछ आएगा। हम बहुत दिन से सोच रहे थे, नहीं भेज पाए। पहले स्टेचुटरी प्रोविजन से ले लेते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे फेंसिंग के, सरफेस पे जो फेंसिंग लगते हो S1, S2, S3, अंडरग्राउंड में U1, U2 और जनरल पर्पज से G1, G2, G3, G4, G5, ये नाम सुने हैं कभी? हम इनको फिगर के माध्यम से बताएंगे। आप अंडरग्राउंड में U1 या U2 टाइप का कभी आप लोग अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग किए होंगे तो देखे होंगे। हम पहले उसको बताते, बाद में इसको लेते, ठीक है? U1 टाइप का लेते। U1 पहले लगता कहा, U1 टाइप का जो फेंसिंग है अंडरग्राउंड है, इसलिए यू लिया। U1 और U2 दो ही होता है अंडरग्राउंड में। डिसयूज गैलरी या अनयूज गैलरी, अनयूज या डिसयूज का डिफरेंशन बताया, ठीक है? तो अनयूज या डिसयूज गैलरी, जो गैलरी को हमने बना के छोड़ दिया लेकिन अभी वहां कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको? वहां हो सकता है अंदर में गैस हो और कोई प्रॉब्लम हो, रूफ का कंडीशन ठीक ना हो, साइड का कंडीशन ठीक ना हो और वहां काम नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? उसको फेंस करके रख देंगे ताकि अनजाने में कोई भी आदमी उसके अंदर ना जाए। वो है U2 टाइप का। डिसयूज गैलरी या अनयूज गैलरी के लिए हम कौन सा टाइप का फेंसिंग यूज करते हैं बेटा जितेंद्र? U2 टाइप का। और आप लोग को 251 भेजा था, रेगुलेशन 251 हम भेजा है ना, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब, ठीक है? हम लोग के टाइम पे 199 हुआ करता था, अभी जो CMR 2017 में 251 हो गया। तो क्या बताया था कि उस प्लेस को फेंस कर देना है, ऐसा बताया था कि नहीं? ताकि कोई अल्टर ना करे उस प्लेस को, अल्टर करना उसके लिए भी वहां पे प्रोविजंस बताए थे। या गैस किसी जगह मिल गया, एक्युमुलेशन ऑफ गैस आपको मिल गया, तो आदमी को वहां जाकर बेहोश होकर गिर जाएगा, सफोकेशन हो सकता है, तब क्या करेंगे हम? उस जगह को फेंसिंग कर देंगे ताकि कोई भी अनजाने में उसमें घुसे ना, एक बात हो गया। तो फेंसिंग करेंगे कौन सा टाइप का? U1 टाइप का। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को फेंसिंग करने के लिए हम U1 इस्तेमाल करेंगे। गैस कहीं मिला है उस जगह को फेंसिंग करने के लिए हम U1 टाइप का करेंगे। तो सिर्फ फेंसिंग करके नहीं छोड़ देंगे बेटा, आगे का भी, अभी हम फेंसिंग का तो हम फेंसिंग तक ही सीमित है, वहां वेंटिलेशन इंप्रूव करके गैस को हटाने का प्रबंध भी करेंगे, ठीक है? वो जब उधर डिटेल में जाएंगे तब, यहां से हम फेंसिंग तक सीमित है। तो एक्सीडेंट साइट को फेंसिंग करने के लिए हम U1 का इस्तेमाल करते हैं। U1 टाइप के फेंसिंग, U1 बता रहे क्या होता है? आपका कोई एक्युमुलेशन ऑफ गैस है उस जगह को फेंसिंग करने के लिए U1 का इस्तेमाल कर, और अदर कोई डेंजरस प्लेस है, कोई भी अन्य कोई डेंजरस प्लेस है अंडरग्राउंड में, उसको भी फेंसिंग करने के लिए हम U1 का इस्तेमाल करते हैं, और डिसयूज्ड या अनयूज्ड गैलरी को फेंस करने के लिए U2 टाइप का इस्तेमाल करते हैं। यदि कहीं आ गया एग्जाम में तो अब तो लिख देंगे, इतना बार बोल दिया डिसयूज्ड या अनयूज्ड गैलरी के लिए क्या बताया? U2। और बाकी जितने भी डेंजरस प्लेसेस होंगे या एक्सीडेंट साइट को फेंस करना है या फिर आपका एक्युमुलेशन ऑफ गैस वाले प्लेस को फेंस करना है, फेंसिंग करना है, तो U1 टाइप इस्तेमाल करते। ये तो लगता है कि अब यादें हो गया। तो U1 में करते क्या बेटा? अरे कुछ नहीं करते U1 में, एक फ्रेम बना रहता है, ऐसा दो पोस्ट खड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसा दो पोस्ट खड़ा करते, लाइट वेट रखते ताकि उठा के आदमी वहां रख दे। दो लाइट वेट लोहा का दो ये पोस्ट खड़ा कर दिया और इनमें हम कटीले तार लगा देते हैं, ठीक है? जमीन से नीचे, जमीन जहां फ्लोर रहेगा वहां से 25 सेंटीमीटर ऊपर पहला तार रहेगा, फिर बाद में जितने भी तार रहेंगे कटीले तार, वो 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर के वर्टिकल डिफरेंस में लगा देते, चार को तार लगा देते हैं, और U1 U2 में दो ठूल कटीले तार लगा देते हैं। हम फिगर से बताएंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में सबको फिगर के साथ बताएंगे। इतना ही नहीं रहता है जी, कोई बहुत बड़ा चीज है और कुछ नहीं मिलता है बेटा तो हम एक तार लगा देते हैं, ठीक है? जो आपका स्टिचिंग के लिए जो रोप इस्तेमाल करते हैं ना, रूप स्टिचिंग के लिए खराब वाला रोप, जो आले जाले जो रूप रहता है उसी को लगा देते हैं। वो टेम्पररी जुगाड़ है, वो आपका स्टिचुटरी नहीं, वो नहीं लिखना कभी, वो बोलना भी नहीं, ठीक है?
यदि कहीं फेंसिंग दिखा फेंसिंग पार नहीं करना, ये आपके जो ड्यूटी है रेगुलेशन 40 ड्यूटीज ऑफ पर्सन इंप्लॉयड इन माइंस, उसमें लिखा हुआ कि फेंसिंग गेट बैरियर को कोई भी आदमी ना तो पार करेगा ना उसको हटाएगा, ठीक है, रेगुलेशन 40 में लिखा, बताएंगे जब 40 बताएंगे तो। तो अभी हम देखते हैं फेंस, तो अब जनरल मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा। और सरफेस पे लगने वाले जो टाइप के फेंसिंग होंगे वो तीन टाइप के, S1, S2, S3। S1, S2 जो है वो परमानेंट नेचर के होते हैं और S3 जो होता है मूवेबल होता है, जैसे अंडरग्राउंड में U2, U1 हो, बताए क्या है ये रिमूवेबल टाइप का रहता है कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह हम ले जा सके, हम आसानी से फ्रेम में बना हुआ चीज ले जाकर रख दिया वहां। वैसे आपका S3 जो होता है सरफेस पे वो मूवेबल फेंसिंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्टेचुटरी प्रोविजन है, यदि सरफेस पे यदि आपका कोई, पहली बात तो कहां कहां लगाना है, कोई टैंक है, रिजर्वायर है, पानी का टंकी है, रिजर्वायर है, या कोई भी अन्य डेंजरस प्लेस जिससे खतरा हो सकता है, कोई आदमी उसके अंदर गिर सकता है, घुस सकता है उसमें, घुस गया तो गए खत्म हो जाएगा, तो हर टैंक, हर रिजर्वायर और हर खतरनाक प्लेस को सिक्योरली फेंस्ड करेंगे। एक बात बोलते, एवरी टैंक रिजर्वायर आर अदर डेंजरस प्लेस, यही लिखा होगा, इन आर अबाउट अ माइन शैल बी सिक्योरली फेंस्ड, ये लिखा है यहां पहला बात में, कि कोई भी टैंक रिजर्वायर या कोई अन्य खतरनाक जगह, चाहे वो सरफेस का हो, ओपन कास्ट वर्किंग का हो या अंडरग्राउंड का हो, सबके लिए बोल रहा हो, उसको फेंसिंग किया जाएगा, ठीक है। और यदि सरफेस पे फेंसिंग किया है, कहां की बात बोल रहा हूं सिर्फ बेटा, सरफेस बोल रहा हूं, सबका नहीं बोल रहा हूं, सरफेस पे फेंसिंग किया है तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन 7 दिन में कम से कम एक बार जांच करेगा उस फेंसिंग, क्योंकि फेंसिंग ठीक ठाक है कि नहीं, कोने काटपीट तो लिया, टूट फूट तो नहीं हुआ, इस बात के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन सरफेस पे जो भी फेंसिंग है उसकी जांच करेगा। देखो यही लिखा होगा, एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन सरफेस शैल बी इंस्पेक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। अब इसके लिए कौन पीडीएफ का जरूरत है, ठीक है। अब मान लो कोई प्लांट है, कोई टैंक है, कोई भी चीज को फेंस कर दिया हम, लेकिन उसमें हमको रिपेयर करना है या कोई दूसरा काम करना है, तो फेंसिंग को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, टेम्परली आप हटा सकते हैं, बट क्या बोलता है, इफ एडेक्वेट प्रिकॉशंस हैव टेकन, कब हटा सकते हैं, जब आपने पर्याप्त सावधानी ली है। कैसे, क्या प्राप्त साधन लेंगे, ये लिख देने से हो जाएगा, नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि या तो कोई सिक्योरिटी बाहर में खड़ा कर दीजिए कि भैया किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है, सिक्योरिटी बाहर में खड़ा कर दीजिए, कॉशन बोर्ड लगा दीजिए कि अंदर जाना मना है, असुरक्षित जगह है, जो भी आपको लिखना है जिस तरीके से लिखना वो करना है। थर्ड पॉइंट वही बोलता है, एनी फेंस गेट बैरिकेड मे बी RR है, मे बी टेम्पोररी रिमूव, मतलब कोई फेंसिंग को, गेट को, बैरिकेड को आप टेम्पोररी रिमूव कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर आर अदर ऑपरेशन इफ एडेक्वेट प्रिकॉशंस हैव टेकन, यदि आपने उचित सावधानी ली है, ले रखी है, तब आप किसी बैरियर, फेंस, गेट, बैरिकेड को हटा सकते हैं, लेकिन किस पर्पज से, टेम्पोररी हटा सकते हैं, हमेशा ही टेम्पोररी रिमूव फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर और अदर ऑपरेशन, किसी रिपेयर या अन्य ऑपरेशन के लिए किसी भी फेंसिंग को, गेट को, बैरिकेड को आप कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पे हटा सकते हैं, यदि आपने उचित सावधानी ले रखी है। तो टाइप्स ऑफ फेंसिंग में सरफेस फेंसिंग S1, S2, S3, अंडरग्राउंड फेंसिंग U1, U2, जनरल फेंसिंग G1 to G5, ठीक है, इनका सब काम विथ फिगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो हम एक या दो दिन में इन्हीं के ऊपर भेजेंगे, डिटेल फिगर के साथ समझा देंगे। U1, U2 तो याद हो गया जी, और ऐसे ही बता दिया, दो पोस्ट रहता, तार रहता, कटीले तार, कितना कितना डिस्टेंस, वो भी बता दिया। U1 कहां इस्तेमाल होता, U2 बता दिया, U2 डिस्यूज गैलरी के लिए है, U1 जो है एक्युमुलेशन ऑफ गैस वाले प्लेस पे या साइट ऑफ एक्सीडेंट को फेंस करने के लिए या अंडरग्राउंड के अदर डेंजरस प्लेस को
फेंस करने के लिए हम यूएन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।